गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पुलाव। तो इसके लिए हम एक ले लिए हैं फ्राई पैन। फ्राई पैन में हम डालेंगे आधा चम्मच घी। घी को हम मेल्ट होने दें। मेल्ट हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू बादाम। काजू बादाम को हम फ्राई कर लेंगे हल्के से चला चला के, सभी को निकाल लेंगे। फ्राई हो चुका है और हम इसमें डाल देंगे तेल 2 से 3 चम्मच और डालेंगे हम पनीर। 200 ग्राम पनीर लिए हैं, पकने दें हम पनीर को। हम दूसरे साइड पलट लिए हैं, एक साइड हो चुका है, एक साइड और थोड़ा होना बाकी है। पनीर हमारा पक चुका है, सभी को हम निकाल लेंगे इस तरह से। और पुलाव बनाने के लिए हम ले लिए हैं एक पतीला। पतीले में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा और डालेंगे एक तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी, 3 से 4 इलायची डाल देंगे, 4-5 लौंग, 1 बड़ा इलायची, 3 हरी मिर्च। हल्का सा चला देंगे हम। और इसके साथ में हम डाल देंगे 1 प्याज जो इस तरह से काट लिए हैं। प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे, पकने दें हम। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, और हम डालेंगे इसमें हरा मटर। 100 ग्राम के करीब हरा मटर है। पकने दें हम। इसमें डाल देंगे गाजर, 50 ग्राम गाजर है। सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसके साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा हम डाल देंगे गरम मसाला और 1 चम्मच डाल देंगे मिक्स मसाला। सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। सब्जी को पकने दे थोड़ा टाइम। और हम इसमें डाल देंगे बासमती चावल जो हम 1/2 घंटा के लिए भिगा के रखे थे। सभी को मिक्स कर देंगे। मिक्स हो चुका है, हम इसमें डालेंगे पानी। चावल का डबल पानी रहेगा, 1.5 कप चावल था, 3 कप पानी डाले हैं। सभी को मिक्स कर देंगे और ढक्कन डाल के हम 2 मिनट के लिए पकने दें। चेक करेंगे एक बार चावल को, चावल में बॉयल आ चुका है। एक बार हम चला देंगे और जो हम पनीर फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे। और इसी के साथ में हम डाल देंगे काजू बादाम जो फ्राई किया था वो भी डाल देंगे। हल्का सा चला देंगे और ढक्कन डाल के हम पकने दें 2 से 4 मिनट तक स्लो तव पे। देखिए पनीर पुलाव हमारा बनके रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे बने हैं। चावल पूरे खिले खिले हैं। और हम इसमें डाल देंगे पुदीना और थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा प्लीज।